हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पैलेस्तीन विजिट के बारे में। ऑफ कोर्स साथ में ओमान विजिट को भी कवर करेंगे। रिसेंटली पीएम मोदी ने तीन कंट्रीज को विजिट किया था, यूएई, ओमान और पैलेस्तीन। यूएई पे सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, काफी डिटेल, काफी इन्फॉर्मेशन है वहां पे, जरूर देखिएगा उसको। तो अब हम ओमान और पैलेस्तीन की विजिट को एनालाइज करेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पैलेस्तीन और इसराइल के रिलेशन को इंडिया किस तरीके से बैलेंस करेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके साथ है। घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, आरबीआई, ग्रेड बी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो सकती है विद स्टडी आईक्यूज पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज। ये हमारी वेबसाइट है studyiq.com। ये वेबसाइट विजिट करिए, यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे और आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो इस वीडियो का सीक्वेंस ऐसे होगा, पहले हम पैलेस्तीन विजिट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ओमान विजिट को एनालाइज करेंगे। तो पहले विजिट में क्या हुआ वो सब डिस्कस करने से पहले पैलेस्तीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पता होने चाहिए, हम वो डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो ये है हमारा प्यारा भारत और यहां से अगर हम वेस्टर्न साइड की तरफ जाएं तो हमको दिखेगा द मिडल ईस्ट, वहां पे आपको मिलेगा पैलेस्तीन। पैलेस्तीन ऑफकोर्स इसराइल के काफी करीब है, दोनों की बहुत ही अनफॉर्चुनेट, वॉयलेंट और काफी सैड हिस्ट्री है, काफ़ी यहाँ पे ब्लडशेड हुआ है टेरिटरी को लेकर। आज के टाइम में पैलेस्तीन की बहुत ही कम टेरिटरी बची है, अब ये एक अलग से मैप में देखेंगे, मगर अभी के लिए जो इसकी लोकेशन है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाद में उनका और डिस्कस करेंगे। एक तो है डेड सी, डेड सी आपको मिलेगा यहाँ पे इसराइल के पास। ऑलराइट, इसराइल और जॉर्डन के बीच में आपको मिलेगा द डेड सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में और बात करेंगे हम। फिर यहाँ पे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है, सी ऑफ गैलीले। ऑलराइट, ये इसकी लोकेशन अभी के लिए समझ लो, बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इनके बारे में आपको और बताऊंगा। ऑलराइट, सो 1917 में ये था पैलेस्तीन, ऑफ कोर्स इसराइल की क्रिएशन से काफ़ी पहले, और फिर 1947 में जब प्रपोज्ड यूएन पार्टीशन के बाद इसराइल का जन्म होता है तो कुछ ऐसी सूरत हाल थी। फिर उसके बाद एक वॉर होती है और धीरे धीरे इसराइल पैलेस्तीन की काफ़ी सारी जो ये टेरिटरी थी उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देता है और आज के टाइम में बहुत ही कम टेरिटरी बची है पैलेस्तीन के पास। एक काफ़ी बड़ा इशू है अराउंड द वर्ल्ड, काफ़ी सेंसिटिव इशू है और ज़्यादातर इस पर बात करने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि बी केयरफुल और एक दूसरे की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करिएगा, प्राइमरीली क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है जेरूसलम का। जेरूसलम तीन इब्राहिमिक रिलीजन्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज़म और इस्लाम। इस्लाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डोम ऑफ रॉक है, जुदाइज़म के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वेलिंग वॉल है, और क्रिश्चियनिटी के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जीसस क्राइस्ट को यहीं पर जेरूसलम में उनको क्रूसीफाई किया गया था और बाद में यहीं पर वो रिजरेक्ट हुए, वो वापस जिंदा हो गए थे। तो इंपॉर्टेंट सिटी है और इसराइल ने देखो ठीक है पैलेस्तीन की सारी जो टेरिटरी है वो हथिया ली, मगर अभी के लिए जो मेन इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में वो जेरूसलम को लेके है कि जेरूसलम क्या पैलेस्तीन के पास रहेगा या इसराइल के पास रहेगा, उसी को लेकर काफ़ी गेम्स भी खेली जाती हैं। अभी के लिए ये मैप हमारे सामने है, ये है वेस्ट बैंक और ये है गाज़ा स्ट्रिप, ये दोनों मिलाकर यही बचता है अब पैलेस्तीन का, और मोदी जी यहीं पे गए थे। ऑलराइट, अभी के लिए ये समझ लो, बाकी पैलेस्तीन के इतिहास को लेकर, वॉर को लेकर, जो सिक्स डे वॉर हुई थी 1967 की, उसके ऊपर हमने अलग से बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी ऑन स्टडी आईक्यू, आप वो भी दे सकते हैं। अब जो मैप में हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी थी उनके बारे में आप जान लीजिए, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। एक तो था द सी ऑफ गैलील, द सी ऑफ गैलील लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑन अर्थ। ऑलराइट, अब काफ़ी टेक्निकल हो रहा हूँ यहाँ पे, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक, जब आप फ्रेश वाटर की बात करते हो तो ये सबसे लोएस्ट लेक है, मगर जब आप वैसे बात करते हो इन जनरल जो लोएस्ट लेक है ऑन अर्थ तो आप बात कर रहे हो डेड सी की, क्योंकि तब हम सॉल्ट वाटर लेक है या नहीं या फ्रेश वाटर लेक है या नहीं उसको हम काउंट नहीं कर रहे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है तो डेड सी है, लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है, ऑफ कोर्स डेड सी अगेन, मगर अगर क्वेश्चन आता है कि लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है अर्थ में तो वो है सी ऑफ गैलील, मगर ये सेकेंड लोएस्ट लेक है इन द वर्ल्ड ओवरऑल इन जनरल अगर हम फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर को इग्नोर कर दें। ले ऑफ गैलील सिचुएटेड कहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये नॉर्दर्न इसराइल में सिचुएटेड है बिटवीन गोलन हाइट्स एंड गैलील रीजन।
तो गोलन हाइट्स के काफ़ी करीब है। गोलन हाइट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2015 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था गोलन हाइट्स से रिलेटेड, और ये था, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू। अब यहाँ पे बेसिकली गोलन हाइट्स की लोकेशन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया में है, ये मिडिल ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है, ये सेंट्रल अफ्रीका में है। पहली बात तो साउथ ईस्ट एशिया का सवाल पैदा होता नहीं है, मेन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है तो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली है मिडिल ईस्ट। गोलन हाइट्स वैसे तो सीरिया में है, मगर जो इसका वेस्टर्न दो तिहाई पार्ट है वो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको, ठीक है, और जो ये ईस्टर्न पार्ट है वो सीरिया कंट्रोल करता है। तो अब आप ये समझ गए, और उसी के पास है दुनिया की सेकेंड लोएस्ट लेक। तो आज के टाइम में जो स्टेट ऑफ पैलेस्तीन जो लैंड क्लेम करती है, ज़्यादातर वो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है सिंस 1967। ये जो कॉन्सिक्वेंस था सिक्स डे वॉर का, कह रहा कि 1967 में इसराइल पर इन तीन देशों ने आक्रमण कर दिया था, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन। और सरप्राइजिंगली इसराइल जो एक न्यू कंट्री था, बहुत ही यंग कंट्री था, उन्होंने एयर सुपीरियरिटी की वजह से, अपनी एयरफोर्स की पावर की वजह से इन तीनों देशों को बुरी तरीके से, ह्यूमिलेटिंग तरीके से हरा दिया और बहुत सारा लैंड इनका कैप्चर कर लिया था। और हालांकि काफ़ी सारा लैंड बाद में इसराइल ने छोड़ दिया, मगर जो इम्पॉर्टेंट लैंड था फलस्तीन का, पर्टिकुलरली जो जरूसलम का पार्ट है, ईस्टर्न जरूसलम जो होली सिटी है, उसको तब भी अपने पास रखा। और उसी वजह से आज के टाइम में भी ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी। खैर, अभी के लिए क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी, जब वो पैलेस्टीन गए तो उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं, इंडिया होप्स पैलेस्टीन बिकम्स अ फ्री कंट्री सून। तो वो चाहते हैं कि पैलेस्टीन एक फ्री कंट्री फिर से बन जाए, जैसे भी उनको एक कंट्री का एक जो स्टेटस है वो मिल जाए। और ये उन्होंने कहा था रामल्ला में। अब रामल्ला बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है पैलेस्टीन की, मगर आप इसको कैपिटल नहीं कह सकते, क्योंकि कैपिटल पैलेस्टीन आज भी जेरूसलम को मानता है। सिमिलरली काफ़ी यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी है, क्योंकि इसराइल अपना कैपिटल जेरूसलम को मानता है। रिसेंटली यूएसए भी एक कंट्री बन गया था जो जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल मानता है। इंडिया अभी भी जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल नहीं मानता। इंडिया के हिसाब से तेल अविव अभी भी इसराइल का कैपिटल है। और सिंस ये अभी इशू है काफ़ी हद तक, तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जो पैलेस्टीन को विज़िट करती हैं वो रामल्ला में विज़िट करती हैं, मगर तब भी इसको आप कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल पैलेस्टीन का नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी। इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं। इंडिया हमेशा से पैलेस्टीन के साथ एक सिंपथी रखता था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सहा वॉर्स की वजह से, और काफ़ी वहाँ पे टेरिटरी भी ऑक्यूपाई की गई। आज भी इसराइल काफ़ी बार पैलेस्टीनियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है, वहाँ पे अपने बेसिस बना लेता है, और वो काफ़ी हद तक न्यूज़ ही बनती है अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया उन पहली कुछ कंट्रीज़ में से था जिन्होंने ऑफिशियल एक रिकग्निशन दी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को 1988 में। आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो पैलेस्टीन को एक स्टेट मानती हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो नहीं मानती, तो इसको लेकर अभी भी इशू है। खैर, 1996 में इंडिया ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खुला था टू द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ये पहले खुला था गाज़ा में, बाद में इशू हो गया, टेररिज्म वगैरह को लेकर काफ़ी इशू था। फिर उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस था ये शिफ्ट कर दिया गया रामल्ला में। अब इस विजिट के दौरान एक और क्वेश्चन भी उठा, एक क्वेश्चन ये था कि क्या मोदी जी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पैलेस्टीन को विजिट किया था। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने इस पर इंफॉर्मेशन शेयर करी एक दूसरे के साथ। इनिशियली जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ट्वीट में ये बात बताई कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले पीएम हैं इंडिया के जिन्होंने पैलेस्टीन को विजिट किया, तो काफ़ी सारे यहाँ पर और जो लोग थे जो डिसएग्री कर रहे थे इस बात से, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। मगर हम अगर टेक्निकली देखें तो एक्चुअली मोदी जी पहले पीएम थे। समझाता हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू जी ने पैलेस्टीन को विजिट किया था 1960 में। एक्चुअली क्या था कि नेहरू जी वापस आ रहे थे इंडिया, और उस दौरान उन्होंने जो गाज़ा पट्टी है, जो गाज़ा स्ट्रिप है, उस वक्त वो इजिप्ट के कंट्रोल में थी। ऑलराइट, उस वक्त सिक्स डे वॉर नहीं हुई थी, ये 1967 से पहले का टाइम है। उस वक्त गाज़ा पट्टी जो थी वो इजिप्ट के मिलिट्री कंट्रोल में थी, तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी रुके थे। वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस में इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, पीस कीपिंग में काम कर रहे थे, उनसे वो मिले, और एक काफ़ी अच्छी विजिट थी ओवरऑल। मगर टेक्निकली देखा जाए तो उस वक्त वो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन नहीं थी, वो काफ़ी हद तक इजिप्ट कंट्रोल्ड एरिया था।
तो टेक्निकली हम देखें तो हालांकि फोटोज यहाँ पे अवेलेबल हैं और हिस्ट्री हमको ये बताती है कि उस रीजन में जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, मगर आप अगर टेक्निकलिटी के हिसाब से देखते हो तो मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो फलस्तीन उन्होंने विजिट किया है, स्टेट ऑफ फलस्तीन उन्होंने विजिट की है, और उसी के साथ साथ उन्होंने एक रिमार्केबल हिस्ट्री ये बना दी है कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इसराइल और फलस्तीन दोनों को विजिट किया है। ये तो आपको पता होगा रिसेंटली 2017 में जब पीएम मोदी इसराइल गए थे तो वो पहले सिटिंग पीएम थे जो इसराइल गए थे, उसके बाद अब वो फलस्तीन भी जा चुके हैं। और यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो जब 2017 में मोदी जी इसराइल गए थे, यहाँ पे एक सिटी है इसराइल में हाइफा, वहाँ पर जो यूएन के ट्रूप्स हैं जो इंडिया से आए हैं वहाँ पे, उनसे मोदी जी यहाँ पर मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छी फोटो है। अब इसी ट्रिप के साथ मैंने ये देखा कि इंडिया ने डीहाइपन कर दिया है इंडिया फलस्तीन रिलेशनशिप को। बहुत ही लंबे समय तक इंडिया इसराइल और फलस्तीन को ऑलमोस्ट एक सिंगल रीजन की तरह देखता था और दोनों कंट्रीज़ को एक सिंगल ट्रीटमेंट ही देता था, मगर अब इंडिया ने क्या किया है कि दोनों कंट्रीज़ को अलग तरीके से देख रहा है इंडिया और काफ़ी बोल्ड डिसीजंस भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल इसराइल के साथ इंडिया के जो मिलिट्री रिलेशंस है काफ़ी बड़े हैं। इसराइल बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करता है और उसके अलावा वाटर और एग्रीकल्चर जैसी फील्ड में वहाँ पर भी इसराइल इंडिया को हेल्प कर रहा है, मगर साथ ही साथ जब इंडिया की बारी आती है अपनी एक सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी दिखाने की कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो इंडिया बोल्डली उसको शोकेस भी करता है, जो हमने देखा दिसंबर 2017 में जब इंडिया ने वोट किया था इसराइल के खिलाफ यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में। यूएस ने कहा कि हम मानते हैं कि जेरूसलम अब इसराइल की कैपिटल है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशन बनाया कि ये जो डिसीजन है ये गलत है, और बाकी कंट्रीज़ को भी कहा कि ये आप जेरूसलम को कैपिटल ना मानिए इसराइल की, ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, और इंडिया ने उस रेजोल्यूशन का समर्थन किया जो इसराइल के खिलाफ था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया इसराइल और फलस्तीन दोनों को अलग तरीके से देख रहा है और दोनों के जो मतलब जो भी इश्यूज़ हैं उसमें खुद को टैंगल नहीं कर रहा। अब इसका एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक तो ये बड़े स्केल पर हो गया कि यूएन में इंडिया क्या वोटिंग करता है, फिर ये भी है कि पीएम मोदी फलस्तीन पहुँचे कैसे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो पीएम मोदी पहले तो अमान में थे, अमान है कैपिटल जॉर्डन की, आपने देखा होगा फलस्तीन के बहुत ही करीब है जॉर्डन। अब ज़्यादातर जो एक कन्वेंशनल रूट ये होता है कि अमान जो है कैपिटल जॉर्डन की, वहाँ से मोदी जी तेल अविव जाते जो कैपिटल है इसराइल की अकॉर्डिंग टू इंडिया, वहाँ से तेल अविव से वो आराम से फलस्तीन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है रामल्ला वहाँ पे वो जा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो डायरेक्टली अमान से पहुँच गए रामल्ला। और बहुत ही एक रिमार्केबल एक सीन था क्या कि मोदी जी एक जॉर्डन आर्मी के हेलीकॉप्टर में बैठे, वहाँ से वो अमान से होते हुए रामल्ला पहुँचे फलस्तीन में, और जब वहाँ पे फलस्तीन का जो वहाँ पे लीडर थे रामी हमदल्ला वहाँ से वो मिले, उस दौरान जो उनकी सिक्योरिटी थी वो इजरायली एयरफोर्स संभाल रही थी। तो जब मोदी जी का चॉपर जा रहा था, जॉर्डेनियन आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था वो जब जा रहा था, उसके साथ साथ इजरायली एयरफोर्स के चॉपर्स थे जो मोदी जी की सिक्योरिटी कर रहे थे। तो अपने आप में आप देख सकते हो कि इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना पावरफुल बना लिया है, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इतना बढ़ा लिया है कि इसराइल फलस्तीन इन सब कंट्रीज़ के साथ इंडिया इंडिविजुअली डील कर सकता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी बिना किसी दबाव के कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो मोदी जी ने फलस्तीन में बेसिकली किया क्या? अब वैसे कुछ ट्रेड के लिहाज से दोनों के ट्रेड रिलेशंस इतने ज़्यादा बड़े हैं नहीं, मगर इंडिया काफ़ी बार ये कोशिश करता है कि वहाँ की जो लोगों की ज़िंदगी है वो ज़रा बेहतर बन सके, उसमें इंडिया ने काफ़ी डोनेशंस करी हैं ओवर द ईयर्स। तो दोनों देशों ने मिलकर काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए $50 मिलियन के, उसमें से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो MOU था उसका था कि इंडिया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा बेथ सुहार में, जो एक जगह है फलस्तीन में। ये $30 मिलियन का होगा, बहुत ही बड़ा आलिशान हॉस्पिटल होगा और डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग हैं उससे उनको बेनिफिट भी मिलेगा। उस सब के अलावा एक सेंटर फॉर एम्पावरिंग वुमेन भी बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट होगी करीब $5 मिलियन की। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा बस इंडिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है और वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा रामल्ला में एक नेशनल प्रिंटिंग प्रेस खुल रही है, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी चाहिए वहाँ पे इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन देगा, सारी मशीनरी और इक्विपमेंट इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया बेसिकली अपनी तरफ से जो भी फलस्तीन के कॉज के लिए वो कर सकता है वो कर रहा है, और इंडिया ये भी सपोर्ट करता है कि फलस्तीन का जो सोल्यूशन है वो पीसफुल तरीके से हो जाए और बोथ पार्टी शुड एग्री टू इट। इस सब के अलावा अभी के लिए आप अगर ये क्वेश्चन उठाएं कि क्या इंडिया एक पीस ब्रोकर बन सकता है मिडिल ईस्ट के रीजन में, तो मैं कहूँगा नहीं।
अभी के लिए इंडिया का वो वहाँ पर इन्फ्लुएंस उतना हुआ नहीं है। अभी भी जो पीस ब्रोकर्स हैं वहाँ पे, उसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएस और जॉर्डन, इजिप्ट, इन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बट डेफिनेटली इंडिया इन सब, ये जो चीज़ें इंडिया कर रहा है यहाँ पे, उससे इंडिया अपना जो स्टैचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि इवेंचुअली देखो, इंडिया का एक लार्जर गोल भी है यहाँ पे। इवेंचुअली इंडिया देखना चाहता है अपने आप को एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन यूनाइटेड नेशंस। उसमें इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पलस्तीन के कॉज को भी सपोर्ट करे, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं दुनिया के, वो जो पलस्तीन का कॉज है उसको सपोर्ट करते हैं, वो इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है पलस्तीन की काफ़ी सारे एरिया की, उसके खिलाफ है। तो इंडिया यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि सिंस इसराइल ने काफ़ी अच्छा एक पार्टनर है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो इंडिया पलस्तीन को बिल्कुल इग्नोर कर दे और सीधा इसराइल के साथ रिलेशंस रैपिडली इंक्रीज़ कर ले और पलस्तीन को इग्नोर करे। इंडिया के लिए सही पॉलिसी यही होगी कि इसराइल के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करें और साथ ही साथ पलस्तीन पर भी ध्यान दें, ऐसी विजिट्स हो, इंडिया कंट्रीब्यूट करे। वहाँ पे लोगों ने बहुत सहा है, बहुत कष्ट में हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स, उनके लिए कोई भी फैसिलिटी जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके, इंडिया वहाँ पे वो हेल्प करे। और ओवरऑल उससे जो इंडिया का लार्जर गोल है एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट का, उसकी तरफ भी इंडिया बढ़ सकता है। फिर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। प्रेसिडेंट अब्बास जो हैं वहाँ पे, उन्होंने ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पलस्तीन भी दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है ये पलस्तीन और इंडिया के बीच में जो टाइज है उनको इम्प्रूव करने में। और जो ये ग्रैंड कॉलर है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है जो फॉरेन डिग्निटरीज को मिलता है पलस्तीन में। अब यहाँ पे शायद कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन हुआ कि सर, आपने बताया कि पीएम मोदी जॉर्डन की कैपिटल जो है अमान, वहाँ से रामल्ला गए, तो जब वो जॉर्डन रुके ही थे तो जॉर्डन में जो उनके किंग हैं उनसे भी मिल लेते, तो वो भी हुआ। हालांकि एक प्रॉपर स्टेट विजिट तो नहीं कह सकते उसको आप, एक ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं हुई, मगर तब भी मोदी जी जॉर्डन के जो राजा हैं अब्दुल्ला द सेकंड, उनसे मिले थे और एक शॉर्ट मीटिंग हुई थी दोनों देशों के बीच में। अब फिर बात करते हैं ओमान के बारे में। ओमान काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। पलस्तीन के साथ जो ट्रेड है इंडिया का इतना बड़ा स्केल पे है नहीं, मगर जियोपॉलिटिकली उसकी वैल्यू, उस कंट्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी अरब कंट्रीज़ देखती हैं कि इंडिया का क्या पोस्चर रहेगा पलस्तीन को लेकर। और आपको पता है बहुत सारी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, उनके साथ बहुत ही अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं इंडिया के। तो डेफिनेटली इंडिया चाहता है कि वो कंट्रीज़ भी सेटिस्फाइड रहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से। तो ओमान की अगर हम बात करें तो ये आपको जो कंट्री है ये अरेबियन पेनिनसुला में आपको मिलेगी और ये अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करती है यूएई के साथ। यूएई वो कंट्री है जो इंडिया के पीएम ने विजिट करी थी, और उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है और यमन के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और इनकी मैरीटाइम बॉर्डर है, ठीक है, मरीन बॉर्डर है विद ईरान और पाकिस्तान। जो कैपिटल है ओमान का वो है मस्कट। इस्लाम इनका ऑफिशियल रिलीजन है। और हालांकि ओमान के पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो यूएई या सऊदी अरेबिया जितने नहीं हैं, दुनिया में 25th रैंक है इनकी, मगर तब भी एक ऑयल रिच कंट्री आप इसको कह सकते हैं। अब इस मैप में आप देख सकते हैं ओमान की लोकेशन को। यहाँ पे आप देखोगे ये है पलस्तीन यहाँ पर, और पलस्तीन के साथ ये है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है यहाँ पर अमान, ठीक है। तो यहाँ से मोदी जी गए थे पलस्तीन, और फिर आता है यहाँ पे यूएई, और यूएई के साथ है ओमान। और ओमान आप देख सकते हैं बॉर्डर शेयर करता है विद यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, और ये करीब है गल्फ ऑफ ओमान के। और यहाँ पे जो आप ये स्ट्रेट देख रहे हो, स्ट्रेट होता है एक नैरो पैसेज किसी वाटरवे में, तो और ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज, ऑलराइट। और आप देख सकते हो ये ईरान और पाकिस्तान के साथ जो मरीन बॉर्डर है वो शेयर करता है। अब इंडिया और ओमान ने 8 MOU साइन किए हैं। ओमान की ऑफकोर्स जो करेंसी है उसके बारे में जान लीजिए, वो है रियाल, RIAL, ऑलराइट, रियाल करेंसी है ओमान की। और बहुत सारे सेक्टर्स में जो MOU साइन किए गए हैं वो है डिफेंस, हेल्थ, टूरिज्म, ये पूरी लिस्ट है, लीगल एंड जुडिशियल कोऑपरेशन, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मींस सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट MOU है वो ये वाला है यहाँ पर, ये दो है एक्चुअली, ये और ये। एक तो है MOU ऑन एकेडमिक एंड स्कॉलरली कोऑपरेशन सेक्टर्स बिटवीन न्यू दिल्ली डिफेंस कॉलेज सुल्तनेट ऑफ ओमान एंड इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड देयर एनालिसिस। तो एक तो जो डिफेंस में स्ट्रैटेजी जिस तरीके से बनती है कंट्रीज़ की, उसमें काफ़ी हद तक शेयरिंग होगी, जो आइडियाज़ हैं वो शेयर किए जाएंगे। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट MOU साइन किया गया है मिलिट्री कॉरपोरेशन को लेकर। यहाँ पे हमको बात करनी पड़ेगी नसीम अल बहर की। देखो ओमान के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं इंडिया के वो उतने बड़े नहीं है जितने यूएई के साथ हैं। यूएई के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया का वो 60 बिलियन US का है और उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो किया जाएगा आने वाले सालों में। मगर ओमान के साथ जो इंडिया का ट्रेड है वो 2010 में करीब $5 बिलियन के साथ था, आज भी
उसी रेंज के आसपास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम यूएई के साथ कंपेयर करें तो ओमान के साथ हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है, मगर ओमान एक दूसरे तरीके से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल हम यूएई के साथ कभी बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशंस नहीं बना पाए इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, मगर ओमान के साथ हमारे बहुत ही अच्छे डिफेंस रिलेशंस भी हैं। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम आपके सामने है, नसीम अल बहर। ये ओमान और इंडिया के बीच में होती है। अभी रिसेंटली दिसंबर महीने में इसका 11वां एडिशन हुआ था मस्कट में, ठीक है, और ये 1993 से हो जा रही है। ये जो नसीम अल बहर है इसका अर्थ होता है सी ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा का झोंका, और काफ़ी इंटेंस नेवल एक्सरसाइज होती है, दोनों कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब रिसेंटली इंडिया को क्या मिल गया है, एक एमओयू में साइन करके कि एक पोर्ट है ओमान में काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जिक्र आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में। इसका नाम है डकम पोर्ट, DUQM पोर्ट, डकम पोर्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है स्ट्रेटेजिकली, इंडियन नेवी की वेसल्स को परमिशन मिल गई है यहाँ पे डॉक करने की। ऑलराइट, ये एक इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डकम पोर्ट स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। तो ये था एनालिसिस मोदी जी की फलस्तीन और ओमान विजिट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवंट।